हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी। ऑलरेडी वीडियो काफी लेट हो गई है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम सीधा आते हैं वीडियो के पार्ट्स पे। इस वीडियो को मैंने तीन चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ दिख सकता है स्क्रीन पे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट चैप्टर्स में ऐड कर दूंगा। यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट पार्ट अगर दैट इज कन्वीनियंट फॉर यू। सबसे पहले बात करें मेरे मार्क्स की, तो ये आपको मेरा फाइनल स्कोर कार्ड दिख सकता है। मुझे SSC 2020 में अप्रोक्सीमेटली 151 मार्क्स मिले थे एंड मैंने ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों क्वालिफाई किया है। मैं दोनों का स्टेटस दूंगा एंड राइट नाउ मेरी स्टेनो की स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 110 के आसपास मैं लिख रहा हूँ एंड एक्यूरेसी पे थोड़ा काम कर रहा हूँ एंड वट एवर आई एम डूइंग। मैं इन ये सभी चीजें आपको वीडियोज के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा एंड आप लोग देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश में मेरे मार्क्स लास्ट टाइम 95.5 थे जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, बट मेरे आंसर की में कुछ एक आध दो क्वेश्चन गलत थे तो उसका मुझे कॉम्पेंसेशन मिला है। देन रीजनिंग की बात करें तो दैट इज अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट पॉइंट फॉर मी एंड मैं कुछ सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट एग्जाम आए उसमें कुछ अलग स्ट्रेटेजी से रीजनिंग को टैकल करने की सोच रहा हूँ एंड वो सभी मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताता रहूंगा। तो आई हाईली हाईली रिकमेंड यू कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बिकॉज दिस जर्नी इज लाइक बहुत लंबी जर्नी है। एग्जाम आप अभी देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली एक साल बाद होने वाला है। आई होप आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे SSC स्टेनो को ही टारगेट कर रहे हैं, बट काफी सारे एग्जाम्स और आती रहेंगे बिकॉज सिलेबस इज मोर और लेस सेम फॉर एवरी एग्जाम, बी इट CGL, CHSL, स्टेनो, MTS, कोई भी एग्जाम हो सिलेबस सेम है सभी का। तो ये इंग्लिश के जो भी पॉइंट्स है वो तो मैं बताऊंगा आपको, रीजनिंग के लिए भी मैं कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में एंड देन GS में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बट ठीक है GS के ऊपर भी एक वीडियो मैं बता दूंगा आप लोगों को एंड दैट्स इट। ये था मेरा फाइनल स्कोर कार्ड एंड आप लोग भी अपने मार्क्स नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि किसे कितने मार्क्स मिले हैं। लेट्स होप कि आप सभी को जॉब मिल जाए बिकॉज वैकेंसीज काफी अच्छी हैं और ज्यादा वैकेंसी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस है इस बार। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, आई होप आप लोगों को मोटिवेशन मिली। जो लोग न्यू है इस फील्ड में उन्हें देख के कुछ ना कुछ तो लगा होगा कि ठीक है नेक्स्ट टाइम ये सेम स्कोर कार्ड या इससे बेटर स्कोर कार्ड मेरा खुद का होना चाहिए 2021 वाले एग्जाम में। एंड आई नो यार आप सभी अचीव कर लेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम लोग अपने आप से कॉन्शियसली एफर्ट दें, डेली अगर हम पढ़ेंगे तो यार बिल्कुल हो सकता है। एंड अब आ जाते हैं सेकेंड और सबसे मेन पार्ट में कि किसे तैयारी करनी चाहिए स्टेनो की, किसे नहीं करनी चाहिए। ये यार बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं मैं स्टेनो करूँ या नहीं करूँ, मैं इतने मार्क्स आए ग्रेड डी मिलेगा या ग्रेड सी मिलेगा। तो यार देखो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, एकदम ही सिंपल बताऊँ तो अगर आपके फाइनल कट ऑफ से जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कट ऑफ है ग्रेड सी का देन ग्रेड डी का, अगर इस कट ऑफ से 10-12 मार्क्स आपके ज्यादा हैं तो बिल्कुल शुरू करो यार। अगर स्टेनो नहीं आती तो सुबह शाम रात दिन सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ सुबह शाम स्टेनो करो, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी की बात मत सुनो, अगर कोई बोल रहा है कि 3-5 महीने में स्टेनो नहीं हो सकती है तो वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किससे हो सकती है, किससे नहीं हो सकती, किससे करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, अगर फास्ट देख रहे हो तो नॉर्मल स्पीड पे देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं यार, स्टेनो का एग्जाम है ना जरूरी नहीं है सिर्फ स्टेनोग्राफर्स देते हैं, CGL वाले CHSL वाले सभी लोग एग्जाम देते हैं और जब उन्हें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, मैं पर्सनली बहुत लोग को जानता हूं जो लोग नॉन स्टेनो बैकग्राउंड से होने के बावजूद एग्जाम क्लियर किया है, 4-5 मंथ में स्टेनो सीखी है, 80-100 की स्पीड भी लाई है। प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस वन, अब कमेंट में बहुत लोग शुरू हो जाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। मुझे पर्सनली पता है, मैं जानता हूं उन लोगों को, इसीलिए मैं बता रहा हूं। एक मेरा खुद का दोस्त है, APS के एग्जाम में मुझे मिला था, वो खुद नॉन स्टेनो बैकग्राउंड से होने के बाद भी उसने 100 वर्ड्स पर मिनट की एग्जाम क्लियर की और राइट नाउ उसे गुजरात के कच्छ में कस्टम में पोस्टिंग मिली हुई है एज अ कस्टम स्टेनोग्राफर। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले जिसे 10-12 मार्क्स ज्यादा है उसे क्या करना चाहिए, देन सेकेंड जिस जो कट ऑफ के आसपास ही है, मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, एकदम कट ऑफ के आसपास है, और थर्ड जो कि मीडियम वाले, मतलब कट ऑफ से ठीक ठाक मार्क्स ज्यादा है बट बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं, मतलब कट ऑफ से 5-7 नंबर ही ज्यादा है, तो वो लोग थोड़ा ज्यादा डाउट में रहते हैं कि मतलब करें नहीं करें कैसे क्या करना है। तो ये तीनों को मैं टैकल करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट जिसे कट ऑफ से 12-15 मार्क्स ज्यादा है, 15 मार्क्स पकड़ लेते हैं, 15 मार्क्स अगर ज्यादा है आपके तो आपको बिल्कुल शॉर्ट हैंड शुरू करनी चाहिए आज अभी ही। अगर अभी तक नहीं किया तो यार आप बहुत लेट कर रहे हो, अभी शुरू करो, सब कुछ छोड़ दो क्योंकि आपका सिलेक्शन काफी काफी ज्यादा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 95-98% चांसेस हैं कि आप लोग
क्लियर कर जाओगे एग्जाम अगर शॉर्ट हैंड निकाल लो तो। देन उसके बाद में सेकंड कैटेगरी के जो लोग आते हैं जिनके कट ऑफ के काफी पास में, जैसे कट ऑफ ग्रेड डी की बात करूं तो 131 गया है, और अगर आप लोगों के मार्क्स 132, 135, 136 भी अगर आपके मार्क्स है तो मतलब आप बहुत ज्यादा सेफ नहीं हो, रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, बट कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज वैकेंसी बढ़ने के चांसेस है। 2019 में वैकेंसी नहीं बढ़ी थी ज्यादा, इसीलिए 2020 में ऐसे चांसेस है कि वैकेंसी बढ़ जाए, और अगर वैकेंसी बढ़ी तो आप लोग को पता है कट ऑफ कम हो जाएगी, फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। फाइनल कट ऑफ क्या होता है ये बता दूं, स्टेनो वाली एग्जाम होने के बाद में डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स में चली जाएगी 140 के अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 140 कट ऑफ चली जाएगी, तो मतलब 140 से जिसे भी ज्यादा मार्क्स है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाएगा। कस्टम डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल चली गई 142 कट ऑफ, तो जिसे भी 142 है उसे कस्टम मिलेगा, लेकिन उसे चाहिए तो इनकम टैक्स भी ले सकता है, उसके ऊपर ऑप्शन है, जहां उसकी जैसी रैंक रहेगी उस पर डिसाइड होगा, ठीक है। तो इसीलिए फाइनल कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाते हैं एंड में जाकर, इसीलिए अगर आप कट ऑफ के काफी पास में हो तो थोड़ा चांस आप ले सकते हो। अगर कुछ नहीं है, सीजीएल सीएचएसएल कर रहे हो तो ठीक है, आप डेली चार से पांच घंटा अगर निकाल सकते हो स्टेनो के लिए। अगर यार पिटमैन भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया आपने तो थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, बट आप लोग अगर स्किल सीख लोगे तो वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा स्किल। मैं एक स्किल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि शॉर्ट हैंड स्किल क्या है, क्यों है, इसका स्कोप क्या है, किसे सीखना चाहिए, किसे क्या करना चाहिए, ये सभी के ऊपर। बिकॉज अभी तो मैं आप लोग को सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि किसे शॉर्ट हैंड इस टाइम पर एसएससी स्टेनो 2020 के लिए करनी चाहिए। तो अगर कट ऑफ के आसपास हो तो ठीक है, आप स्टार्ट करो, बिल्कुल करो, बट चांसेस कम है। थर्ड कैटेगरी है जिसके 5 to 7 मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ से, ठीक है। अब ये लोग यार बहुत ज्यादा सेफ भी नहीं है और बहुत ज्यादा रिस्क जोन में भी नहीं है, बीच में ये लोग, तो बीच वालों को यार मैं तो बोलूंगा कि शॉर्ट हैंड सीख लो, ज्यादा मत सोचो। अगर आपको बेसिक आती तो वेरी वेरी एंड वेरी वेल एंड गुड, लेकिन अगर बेसिक नहीं भी आती फिर भी यार टाइम दो, थोड़ा बहुत टाइम दो, 2 से 3 महीने में कोशिश करो शॉर्ट हैंड खत्म करने की, बिकॉज इस बार बोल रहे हैं कि एग्जाम जल्दी होगा, तो जल्दी अगर हो गया तो काफी लोग बाहर निकल जाएंगे एंड उस टाइम पे आपके चांस ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो ये था सेकंड पार्ट। अब अगर हम थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, तो थर्ड पार्ट है फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो फाइनल कट ऑफ का आप सभी को वैसे पता लग ही गया होगा अब तक कि कितनी जाएगी, बट स्टिल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि ग्रेड सी की कट ऑफ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 155 से लेके 160 प्लस ही जाएगी ग्रेड सी के लिए कट ऑफ। सीट्स काफी ज्यादा एंड चांसेस हैं कि फ्यूचर में थोड़ी बहुत और सीट बढ़े, तो कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है, प्लस माइनस 2-4 नंबर कर लेना, बट यही रहेगी कट ऑफ ग्रेड सी के लिए फाइनल कट ऑफ। ग्रेड डी की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो यार ये तो फैक्ट एक है कि जिसने ग्रेड सी एंड ग्रेड डी दोनों क्वालिफाई किया है सिर्फ वही ग्रेड डी की सीट भी लेकर जाएगा, लेकिन जिसका भी नाम सिर्फ और सिर्फ ग्रेड डी में है वो थोड़ा सा डेंजर जोन में है, बट स्टिल आप लोग ट्राई करिए, बिल्कुल होप मत छोड़िए। एग्जाम में जो 2021 में होगी उसमें आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ग्रेड सी में भी हो जाएगा, ग्रेड डी में भी हो जाएगा। तो ग्रेड डी की कट ऑफ रहेगी अप्रोक्सीमेटली, जिसे भी इस रेंज में मार्क्स है वो 100% कंफर्म समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है, ग्रेड डी तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब कोई सेकेंड थॉट आने ही चाहिए माइंड में, सिर्फ और सिर्फ स्टेनो करो, सुबह शाम सब कुछ भूल जाओ, स्टेनो करो, एक जॉब ले लो, बिकॉज ट्रस्ट मी स्टेनो जितना फास्ट प्रोसेस किसी का भी नहीं है एसएससी में, सिर्फ एक प्री एग्जाम है, स्किल का एग्जाम है, एंड देन फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको जॉब दे देते हैं। हर जगह पे 2-3-4 लेवल है यार, यहाँ पे सिर्फ 2 लेवल है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर जितनी फाइनल कट ऑफ मैंने बताई है इससे ज्यादा या इतने भी आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, एंड पॉजिटिव माइंड के साथ में शॉर्ट हैंड करिए, ज्यादा यहाँ वहाँ वीडियोज मत देखो, क्योंकि यार 4 वीडियो देखोगे 4 बातें दिमाग में आएगी, आपका ध्यान यहाँ वहाँ जाएगा, स्टेनो में मन आपका लग नहीं पाएगा। पॉजिटिव माइंड सेट रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज इतने ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी कि समझ नहीं आएगा कि क्या फॉलो करे क्या नहीं फॉलो करे, इसीलिए शांति से स्किल करो। कैसे स्किल को टैकल करना है इस पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो लेके आऊं, अगर आप लोग को चाहिए वीडियो इस पर तो नीचे इस कमेंट में बता दीजिए, ज्यादा कमेंट रहेंगे तो मैं जल्दी इस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा। ऑलराइट, तो ये 3 पार्ट्स थे वीडियो के मेन पार्ट्स, अब चौथे पार्ट की तरफ आ जाते हैं कि इस चैनल पे आप लोगों को आने वाले टाइम में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैंने आरटीआईज लगाई है बहुत सारी कि कौन से जोन में कितनी सीट से कितनी वैकेंसी है, जैसे जैसे उनका रिप्लाई आता जाएगा मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू बता दूंगा। सेकेंड है कि ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जहां पे मतलब 2-4-5-10 सीट्स रहती हैं, बट वो एग्जाम यूजुअली लोगों के ध्यान में नोटिस में नहीं आते हैं,
तो ऐसे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन मैं आप लोग के पास लेके आऊंगा वीडियोस के थ्रू, और कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, ये सभी चीज मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में मोटिवेशन, यार एक एस्पिरेंट के लाइफ में उसे मोटिवेशन की बहुत जरूरत रहती है, बिकॉज मैं खुद उसी फेज से गुजरा हूँ, तो आई नो कि डेली डेली कैसे निकलता है, बिकॉज इतना लंबा जो फेज है तैयारी करने का, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो ये सभी जर्नी में कैसे आप लोग को हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, पर मैं वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। एंड फाइनली स्ट्रेटेजीज की वीडियो, के मतलब कौन से एग्जाम को कैसे टैकल करें, कौन सा एग्जाम क्या चाहता है, बिकॉज हर एग्जाम बोलने के लिए सिर्फ पैटर्न सेम है, लेकिन हर एग्जाम को थोड़ा सा अलग तरीके से लिया जाता है, तो वो सभी भी मैं आपको स्ट्रेटेजीज के वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी एग्जाम कैसे क्रैक करनी है। एंड फाइनली अगर आप लोग को लगता है कि ये चैनल से आप लोग को कुछ ना कुछ यूज रहेगा, देन आई हाईली रिकमेंड यू के सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टेलीग्राम पे किसी भी ग्रुप्स में शेयर करिए इस वीडियो को, काफी कुछ आई थिंक यूजफुल मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को। एंड आप हमारे खुद के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, गवर्नमेंट जॉब टॉक्स नाम है उसका, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं कि पढ़ाई, जॉब्स एंड बाकी सब चीजों से रिलेटेड। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।